श्रीराम समर्थ अक्टूबर 15। लीन आदमी को भगवान शीघ्र प्राप्त होंगे। नामस्मरण अभिमान का त्याग करके करे, परमेश्वर की अनन्य शरण जाकर नामस्मरण करे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम नामस्मरण करते हैं तो अभिमान बढ़ने लगता है, तब अभिमान के कारण साधना व्यर्थ जाती है। संतों के पास जब हम जाते हैं तो साथ में मन में कोई भी इच्छा न ले जाए, और कुछ ले ही जाना है तो केवल भगवान का प्रेम ही ले जाएं। हम गृहस्थी या प्रपंच का प्रेम और अभिमान साथ में ले जाते हैं, और फिर जैसे पहले से लिखे हुए मजमून पर ही दूसरा मजमून लिखा जाए तो हम पढ़ नहीं पाते। वैसे ही हमारे मन की अवस्था होती है। किसी वस्तु की हमें इच्छा होती है तब वह हमें किस प्रकार प्राप्त होगी उसका विचार करने लगते हैं। इसलिए पहले हम यह सोचे कि भगवान हमें कैसे प्राप्त होंगे, उसके बाद उसकी प्राप्ति के साधनों का अध्ययन करना चाहिए। वह अध्ययन मन के लिए क्लेशदायक हैं। क्रोध बाहर आने की अपेक्षा क्रोध को निगल जाना अर्थात उसे प्रकट न होने देना अधिक मुश्किल है। ऐसा करने में आज हमें बहुत परिश्रम होंगे, लेकिन भविष्य में सुख है यह निश्चित। बरतने में, बोलने में और चलने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जो अवांछनीय है उसे टाले। अनन्यता के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती, विद्या की भी जरूरत नहीं होती। उसके लिए हमें अपनी केवल अभिमान वृत्ति का त्याग करना चाहिए। भगवान के होने के लिए हम में लगन होनी ही चाहिए। लीन आदमी को भगवान शीघ्र प्राप्त होंगे। लगन में अन्य बातों का विस्मरण शीघ्र हो जाता है और भगवान का स्मरण ही केवल बचता है। जो वृत्ति से लघु हैं भगवान उसको जल्दी वश में हो जाते हैं। मनुष्य बड़ा होने पर छोटों की तरह नम्रता से व्यवहार करे तो वह बहुत अच्छा होता है। मन में हमें बहुत दृढ़ और बलवान होना चाहिए। हम अपने साथ 24 घंटों तक शुद्ध और खुला व्यवहार करें। भगवान हमें किसी भी क्षण देखेगा तो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, अर्थात हमें शर्म होगी ऐसा व्यवहार अपने हाथ से न हो। हमारा व्यवहार वर्तन ऐसा हो कि भगवान के प्रति हमारी आशा मन में बढ़ती रहे और अंत में उसका परिणाम ध्यान लगाने में हो। रात में जो स्वप्न हम अपेक्षित करते हैं वह दिन भर करते रहे। इसलिए अपनी वृत्ति नामस्मरण में लीन रखे। हम सब में हो लेकिन किसी के भी हम न हो। इसी वृत्ति से जो रहेगा उसे परमार्थ जल्दी सधेगा। देह के उपचारों के लिए जो आकर्षित होता है वह भगवान को भूला होता है, किंतु जिसका अनुसंधान मजबूत होता है वह संसार के भूल भुलैया में नहीं फंसता। उसे संसार की शान की कीमत नहीं होती। पैसे की वासना और कीर्ति का लालच मनुष्य को भगवान से वंचित करता है। उनके चंगुल में नहीं अटकना चाहिए। लोकप्रियता और धनेच्छा ये दोनों गृहस्थी या प्रपंच करते समय हमें आकर्षित करेंगे ही। यह टालना बड़ा दुष्कर कर्म होता है, किंतु जो भगवान का प्रेम चाहता है वह इनके गुणधर्मों को पहचाने और सावधान रहे, जिससे उत्पन्न होने वाले उसे बाधा नहीं पहुंचाएंगे। आज के मुख्य विचार, अभिमान रहित होकर राम की शरण जाए और उसी से राम अपना होगा यह जाने। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।